हजीयत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। ये ना सोची कि बड़े सादे लफ्ज हैं यार, हजरत इतने सादे लफ्ज लिखते हैं, ये मेरे नहीं, अल्लाह आला हजरत ने इतने सादे लफ्ज तब लिखे कि कोई सादे से सादा बंदा, वाह 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 सुभान अल्लाह, वो भी समझ जाए मसला क्या है, सुभान अल्लाह, और सादों को ट्रैक से उतारने के लिए भी चला चलाकी ना करे लफ्जों के हेर फेर में। इसकी आदत में फजीलत तो अफजलियत में फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। बोलो फजीलत और अफजलियत में फर्क है। अजी फर्क क्या है? वरना फर्क ये है कि जितनों के जितने फजाइल हैं वो फजाइल के बाद में बयान किए जाएंगे, जबकि अफजलियत अकायद के बयान बाद में बयान होगी। मगर तफजील शेख हैं अबू बकर उमर की अफजलियत, और मैं ये फजाइल के बाद में बयान नहीं होगी, अकायद के बाद में बयान होगी। इससे बढ़ के जुमला जो आला हजरत ने लिखा, आदत फरमाते हैं कि तफजीले शेख हैं अबू बकर उमर की अफजलियत के मुकाबिल अगर सही हदीस भी आ जाए तो कतअन वाजिबुल ताबील है बफर्ज़े बातिल, यानी ये बातिल करना भी फर्ज है लेकिन अगर करें बफर्ज़े बातिल सालिह ताबील न हो सके तो वाजिबुल रद है, सही हदीस भी वाजिबुल रद है। इसलिए कि तफ़सीले शेखैन इजमा से साबित है, तवातुर से साबित है, और तवातुर इजमा के मुकाबिल अहाद को नहीं सुना जाएगा। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब अगली बात करूं, सुभान अल्लाह, पूरी उम्मत में तफ़सीली फूट डाल रहे हैं मौला अली का नाम लेके, और वो किसी और को तो अबू बकर उमर पर अफजल नहीं करार देते ना, सिर्फ मौला अली को अफजल करार देते, जबकि एक गिरोह ऐसा भी गुजरा है जो हजरत उमर को अफजल करार देते हैं अबू बकर, और एक गिरोह ऐसा भी गुजरा है जो हजरत अब्बास को अफजल करार देते हैं। या हजरत ने अजलाल मकाम में पूरी तफसील लिखी है, मगर ये जो आज के तफजीली हैं ये तो सारे के सारे मौला अली को फजीलत देते हैं, किस पर? अबू बकर उमर पर। अब सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में इसी अज़ला मुकाम बादशाह मुबारका में सफ़ा 763 में फरमाते हैं कि जो लोग मौला अली को अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं उनसे सिर्फ इतना सवाल कर दो कि मौला अली खुद अपने आप पर किसको फजीलत देते हैं। और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी हदीस मौजूद है, खुद मौला अली का फरमान है, मौला अली फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हदल मुफ्तरी, पर मैंने जिसको देखा कि वो अबू बकर उमर पर मुझे फजीलत देता है वो मुफ्तरी है। झूठा है, झूठा है, झूठा है, मैंने कहा तेरा तू झूठा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ओवैसी तू झूठा है, ईरान शाह वाह वाह, पर मौला अली कह रहे तुम झूठे हो, और सिर्फ झूठा नहीं मौला अली अगला काम भी कर दे, वाह वाह वाह, अल्लाह को
स्त्री, उसमें मुफ्ती की हद लगाऊंगा, उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। मौला अली क्या फरमाते हैं कि जेड़ा पीर जेड़ा मौलवी जेड़ा मौलवी जेड़ा पीर मैं अब वो करो उम्र फजीलत फिर उसमें लम्मा पो उदी तशरीफ कुटो। सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक क्या बात है सुभान अल्लाह। आज जी बुजुर्गों की बेअदबी कर देना, मैं आके मैं तशरीफ बेअदबी कोनी की थी ना ना, मैं देखो ना ऐसा लफ्ज चुनिया जिस च अदब तशरीफ कुटो। वाह 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 सोचे यार शर्म हो गई। मौला अल्लाह फरमान की तरफ जाएगा जालिमो, बेशक मौलाई बनते हो मौला अली की बात तो मानो। वाह अल्लाह, उससे बड़ा बदबخت कौन है जो मौला अली की बात को ठुकरा रहा है। वाह 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 ओए मैं कहता है आज चले पीर वटे जे मौला अली पीर वटे। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं ला इल्ला हुवल अहद फदलनी अला वाह वाह इल्ला जन्नतु हदल मुफ्तरी। सुभान अल्लाह, फरमाया उस पर मैं मुफ्तरी की हद लगाऊं, वो झूठ है उस मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। वाह वाह जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दे। कहते हैं देखो जी मौला अली ने कभी इस पर अमल किया? मैं ये तो मौला अली को पूछो। अल्लाह अकबर, जे तो अमल नहीं किया तो गल कर दे क्यों जिसका अपना अमल कोई नहीं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कोई नहीं सुभान अल्लाह। दूसरा मैंने कहा इस पे हजरत उमर ने अमल किया। सुभान अल्लाह वाह 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 हां वाह तवज्जो करो। मैंने कहा हम तुम्हें दावत दे रहे हैं, अल्लाह का खौफ करो, उमर में फूट मत डालो। मौला अली ने अकीदा दे दिया, फरमाया मुझसे अबू बकर उमर अफजल। बेटे ने पूछा कहा मुझसे अबू बकर उमर अफजल। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया अबू बकर उमर मुझसे अफजल, और जो न माने वो मुफ्ती को झूठा, उसको सिकोड़े। अब जरा अगली बात कहूँ, सुभान अल्लाह अगली बात कहूँ सुभान अल्लाह। कहते जी फलां ने लिखा मौला अली अफजल, फलां ने लिखा। मैंने कहा ये बताओ कि वो क्या मौला अली से बड़ा है? वो मौला अली से नीचे है? मौला अली से ज्यादा इल्म रखता है? नहीं, मौला अली से नीचे है। मौला अली से ज्यादा ज़हीन है? मौला अली से नीचे है। वाह वाह वाह, फहमुद्दीन ज्यादा रखता है? मौला अली से नीचे है। जी सुभान अल्लाह। एक बात, दूसरी बात सुनना जरा, ये बात आला हजरत ने लिखी, मुझे और कहीं मिली नहीं है। यकीन जानिए जिस दिन मुझे ये जुमला मिला उस दिन मैंने आला हजरत के नाम की लंगर पकाया। भाई जिन्होंने जिनको ये पेश करते हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम गर्दाने जाते हैं। वाह वाह वाह, तो भाई क्या करें, उनको क्या कहें जो मौला अली को फजीलत दें? तो सईद याद फरमाया कि वो खाती हैं। अल्लाह मौला अली ने फरमाया वो खाती हैं, उनको खता हुई है, हक पे मौला अली हैं। अब अगला जुमला आला हजरत का नहीं, लेकिन आला हजरत को पढ़ने की बरकत से आला हजरत के गुलाम का जुमला सुनिए। मैं कहता हूँ उधर से तुम ये कहते हो हक उधर है जिधर अली है, मैंने कहा इसमें पक्के हो ना हक उधर है जिधर अली है, तो सिर्फ जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली हक पे नहीं है, मसले तफजील में भी मौला अली हक पे। भाई जंगे जमल जंगे सफीन में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला से खता इज्तिहादी हुई, और खास उस मामले में मौला अली हक बजानिब थे। बेशक समझ आ गई है। सुभान अल्लाह, जब जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली हक पे हैं तो मसले तफजील में मौला अली हक पे हैं, और हक वही है